पेंगोंग लेक पर कब्जाधारी चीन की नई साजिश का खुलासा हुआ है। पेंगोंग लेक पर चीन के दूसरे ब्रिज का निर्माण पूरा होने वाला है। मई में दूसरे ब्रिज बनाने का काम शुरू हुआ था। सैटेलाइट इमेज से चीन के कंस्ट्रक्शन का खुलासा हुआ है। चीन की हिमाकतों का जवाब देने के लिए एलएसी पर बड़े पैमाने पर पोर्टेबल घरों का निर्माण किया गया है, तो सर्दियों में भीषण बर्फबारी के बीच पेयजल की किल्लत दूर करने के लिए बड़ी संख्या में तालाब बनाए गए हैं। पूर्वी लद्दाख में नए सैन्य उपकरणों की तैनाती भी की गई है। जापान सागर में क्वाड देशों के शक्ति प्रदर्शन से चीन घबराया हुआ है। मालाबार ड्रिल में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेवल दस्ते पराक्रम दिखा रहे हैं। इस ड्रिल में अगले 10 दिनों तक डमी हमलों की प्रैक्टिस और द्वीपों से कब्जे छुड़ाने की रिहर्सल भी होगी। अमेरिका ने चीन को वार्निंग देते हुए कहा है कि ताइवान पर अटैक करना चीन की सबसे बड़ी गलती होगी। जनरल मार्क मिले के मुताबिक जैसे यूक्रेन में रूस फंस कर रह गया है, ऐसे ही ताइवान में चीन के साथ होगा। पीएलए के पास अभी ताइवान स्ट्रेट की घेराबंदी करने की क्षमता नहीं है। चीन की हिमाकतों का जवाब देने के लिए ताइवान की ड्रोन ब्रिगेड रेडी टू अटैक मोड में रखी गई है। ताइवान बॉर्डर पर 110 ड्रोन अब चीन की घुसपैठ को ट्रैक करेंगे और फिर वार्निंग के बाद पीएलए के फाइटर जेट्स को ध्वस्त कर दिया जाएगा। ताइवान की सैन्य तैयारियों के बाद चीन बेचैन है। आतंकी फैक्ट्री अब पाकिस्तान के लिए भस्मासुर बन गई है। पीएम शहबाज शरीफ ने आतंकवाद को पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या बताया। खैबर पख्तूनख्वा में कल टीटीपी ने 6 पुलिसकर्मियों को मार डाला। इस हमले के बाद पीएम शहबाज का आतंक के नासूर पर दर्द छलका है। वजीरिस्तान पर कब्जे के बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान अब पेशावर से पख्तूनख्वा तक ऑपरेशन तेज करेगा। टीटीपी ने धमकी देते हुए कहा कि जल्द पेशावर तक शरीयत की हुकूमत चलेगी, पाकिस्तान आर्मी को खदेड़ देंगे। भारत के दुश्मन पाकिस्तान और तुर्की लगातार सैन्य साझेदारी मजबूत करने में जुटे हुए हैं। पाकिस्तान ने अब बेरफ्तार ड्रोन का बदला चुकाने के लिए तुर्की को 3 MFI-17 ट्रेना एयरक्राफ्ट दिए हैं। पाकिस्तान में जारी बवाल के बीच इमरान खान ने कहा है कि उनकी जान पर खतरा बना हुआ है। इमरान के मुताबिक दुर्भाग्य से उन्हें लगता है कि फिर से जानलेवा हमले की आशंका है। पीटीआई की लोकप्रियता को विरोधी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें मारना चाहते हैं।